Hello students, this is first video of science for class 7. In this video I am going to start chapter 1st, element in plants. Element means nutrition. तो इस chapter में हम पढ़ेंगे plants में nutrition कैसे होता है. Previous classes में हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी living things होती हैं सभी को build-up होने, cells build-up करने के लिए या उनकी body के जो damaged cell होते हैं उनको repair करने के लिए energy की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी वो अपने फूड मटेरियल से लेते हैं, जिस भी फॉर्म में वो फूड मटेरियल लेते हैं उससे वो एनर्जी गेन करते हैं, तब जाके अपनी बॉडी के सेल्स को बिल्डअप करते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. हमारी बॉडी के लिए जो फूड से हमें कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सभी क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. आगे हम देखेंगे मोड्स ऑफ एलिमेंट. अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना उनका जो मोड होता है, अलाइनमेंट का मोड होता है, वो अलग अलग होता है. उसकी बेस पे उन्हें दो टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट होते हैं ऑटोट्रॉप्स, दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स. तो इस वीडियो में हम अभी ऑटोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे. देखिए, ऑटोट्रॉप्स जो वर्ड है उसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड. तो जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इनमें हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं. ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो पूरे प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर करती हैं. किस किस का यूज़ करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर का. वाटर वो अपनी सॉइल से लेती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो लीव्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेती हैं और सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है उससे वो अपना खाना प्रिपेयर करती हैं. लीव्स के अंदर खाना प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो आइए ज़रा फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से होती है. लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर लेती हैं, जो ज़मीन में पानी डाला जाता है, पौधों में पानी डाला जाता है, वो जाइलम के थ्रू पानी लेके और सनलाइट की प्रेजेंट में, क्योंकि ऊपर से सूरज की रोशनी मिल रही होती है और क्लोरोफिल उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन में टूट जाता है. ग्लूकोज को वो या तो स्टोर करके रख लेती हैं या उसी वक्त यूज़ कर लेती हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो रिलीज़ कर देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनके थ्रू एंटर करती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, जाइलम. तो देखिए, जाइलम क्या होता है, जाइलम एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है जो ज़मीन से पानी ले जाने का काम करता है, पूरे प्लांट के लिए पानी ले जाने का काम करता है. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्लोरोप्लास्ट का यूज़ करके, यानी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मीन सनलाइट जो मिलती है, सूरज की जो रोशनी मिलती है उसका यूज़ करके एक केमिकल रिएक्शन जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी फोटोसिंथेसिस की, उसके थ्रू क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको लीव्स क्या करती हैं, फूड के फॉर्म में यूज़ करती हैं. इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके थ्रू खाना बन के पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है. इस वीडियो में इतना. हेटरोट्रॉफिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.